इस समय की जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो निकल कर आ रही है चाइना, नेपाल और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आज से कई साल पहले भारत ने नेपाल को एक प्रोजेक्ट के बारे में वार्न किया था। हमने नेपाल को चेतावनी दी थी और नेपाल को सख्त हिदायत दी थी कि किस तरह से जो नेपाल का प्रोजेक्ट है ये ना सिर्फ नेपाल को डेब्ट ट्रैप में फंसा देगा बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर सकता है। लेकिन उस समय नेपाल ने भारत की राय को बिल्कुल नहीं माना, भारत की राय को इग्नोर किया और भारत की एडवाइस के विरुद्ध जाकर चाइना से लोन लेकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। लेकिन अब नेपाल की सरकार और नेपाल के पीएम भारत के सामने घुटनों के ऊपर आ गए हैं। लेकिन जो इस समय मोदी सरकार है भारत में वो नेपाल को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है नेपाल का ये भारत को बैकफायर कर सकता है और जो भारत के जितने भी नेबर्स हैं यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ना सिर्फ अपने आप को चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसा रहे हैं बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही बड़े मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज आप उसको जाकर ज्वाइन कर लें क्योंकि हम YouTube से पहले वहां पर सभी वीडियोस पोस्ट कर लेते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि नेपाल ने भारत के लिए बहुत ही बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े कर दिए हैं वो भी चाइना के साथ मिलकर। लेकिन आपको नहीं पता कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको नेपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखा देता हूँ। अब जो नेपाल है उसके सराउंडिंग में इंडिया और चाइना है यानी जो नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री है, नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बस भारत और चाइना के साथ लगता है। अब आप साफ देख सकते हैं कि अगर नेपाल में से किसी भी फ्लाइट को अगर यूरोप के किसी देश में जाना हो या फिर मिडिल ईस्ट के किसी देश में जाना हो या फिर साउथ अफ्रीका या फिर किसी भी अफ्रीकन कंट्री में, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ पर भी किसी देश में जाना हो तो नेपाल की जो फ्लाइट होती हैं उनको भारत से होकर जाना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि जो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर डिपेंड होती हैं ताकि उनको कम फ्यूल लगे और वो कम समय के अंदर ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर पाएं। इसके साथ ही आप जो देख सकते हैं भारत के राइट वाली साइड जो भी साउथ एशिया का हिस्सा है इसके साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक भी जाने के लिए नेपाल से जो फ्लाइट्स होती हैं वो भारत की एयर स्पेस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर अब अचानक से भारत की सरकार ये कह देती है कि नेपाल की फ्लाइट भारत की एयर स्पेस से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकती तो नेपाल को एक बहुत ही लंबा रूट लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर नेपाल की फ्लाइट्स को लेफ्ट साइड किसी कंट्री में जाना है तो उनको जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए जाना पड़ेगा। अगर राइट साइड जाना है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से होते हुए चाइना की एयर स्पेस से होते हुए फिर उसके बाद किसी देश में जाना पड़ेगा साउथ एशिया में। अब अगर नेपाल की एयरलाइंस ये रूट लेती हैं तो ये रूट ना सिर्फ काफी लंबा होगा बल्कि जो नेपाल से एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं उनको इसमें ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा समय लगेगा और वो बहुत ही कम कंट्रीज को कवर कर पाएंगी। अब ये चीज भारतीय सरकार ने नेपाल की सरकार को आज से कई साल पहले समझा दी थी। लेकिन उस समय नेपाल की जो सरकार थी, नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा और उन्होंने भारत की सरकार की बात बिल्कुल बात नहीं मानी और भारत का विरोध करने के बावजूद उस समय जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने चाइना के साथ कोलैबोरेट किया और अपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अब जो ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह है नेपाल के अंदर रिसेंटली जो दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं। अब हुआ क्या कि नेपाल काठमांडू के बाद अपने देश में दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाना चाहता था। अब जब नेपाल की सरकार ने इस चीज की इच्छा जताई तो उस समय जो भारत की सरकार थी उस समय भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हुआ करते थे एंड नेपाल की इस इंटरेस्ट के बाद भारत की सरकार ने नेपाल को सजेस्ट किया कि जो ये नेपाल दो नए प्रोजेक्ट्स यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहता है क्यों ना भारत की कंपनी इनको कंस्ट्रक्ट करे। भारत की सरकार ने कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया और कुछ कंपनीज ने ये जो नेपाल के अंदर दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने थे इसको लेकर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई थी। लेकिन आपको पता है कि उस समय जो केपी शर्मा ओली थे नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री वो भारत को कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे और उनकी चाइना के साथ काफी ज्यादा करीबी थी यानी वो चाइना के काफी क्लोज थे जिसके कारण नेपाल ने उस समय भारत का ऑफर रिजेक्ट किया और चाइना के साथ जाके कोलैबोरेशन कर दी। अब हुआ क्या कि नेपाल अपने जो ये दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहता था उसके लिए उसने चाइना से लोन भी ले लिए और ना सिर्फ चाइना से लोन लिए बल्कि जो ये दो नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के अंदर बनाए जा रहे थे यानी जो इनको बनाने का टेंडर था वो भी चाइनीज कंपनी को दे दिया। अब जो ये नेपाल के अंदर दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने थे इनमें से एक का नाम था पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे का नाम था गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इनके काम स्टार्ट होने से पहले नेपाल की सरकार ने जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसके लिए $215 मिलियन का लोन लिया चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक से और जो गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसके लिए $76 मिलियन लोन लिया गया
एशियन डेवलपमेंट बैंक और ओपेक फंड से। लोन तो लिया गया है चाइना से, लेकिन इसके साथ जो भी चाइनीज कंपनी वहां पर आकर इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रही थी, उन्होंने अपने साथ काफी सारे चाइनीज एम्प्लॉयज लाए। काफी सारा रॉ मटेरियल उन्होंने चाइना से कलेक्ट किया और इस तरह से चाइना ने जो भी नेपाल को लोन दिया था, इसके साथ ही जो भी एडिशनल कॉस्ट इस एयरपोर्ट को बनाने में आई, उसका एक मेजर हिस्सा चाइनीज की कंपनी अपने देश चाइना ले गई। अब जब साल 2016 में इन एयरपोर्ट्स को बनाने की बात की जा रही थी, उस समय तो केपी शर्मा ओली की सरकार जो वहां पर थी, उसने मोदी सरकार की बात मानी नहीं। भारत के लाख मना करने के बावजूद केपी शर्मा ओली ने इन दोनों एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन का काम चाइनीज कंपनी को दे दिया। अब जो ये दोनों एयरपोर्ट्स हैं, इनका काम चाइनीज कंपनी ने समय के ऊपर कर दिया है। इनमें से एक एयरपोर्ट पिछले साल 2022 में मई महीने में स्टार्ट हो गया है, यानी मई महीने में पिछले साल इनॉग्रेट हो गया है, और जो दूसरा एयरपोर्ट था वो इसी साल 1 जनवरी को इनॉग्रेट हो गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये जो दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनमें से आज तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट ने ना ही यहाँ से टेक ऑफ किया है, ना ही यहाँ पर लैंड किया है, और कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी यहाँ पर ऑपरेट ही नहीं कर रही है। अब इसके पीछे का कारण ये है कि जो चाइना की कंपनी ने नेपाल को ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाकर दिए हैं, भारत की सरकार ने अभी तक इन एयरपोर्ट से निकलने वाली फ्लाइट्स को भारत की एयर स्पेस यूज करने का अधिकार दिया ही नहीं है। यानी जो भी फ्लाइट्स इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलती हैं, जो भी इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, उनको अभी तक भारत की एयर स्पेस यूज करने का अधिकार नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर भारत की एयर स्पेस यूज करने का अधिकार नहीं है, तो जो चाइना की एयरलाइंस इन दोनों एयरपोर्ट से ऑपरेट करेंगी, उनको काफी लंबा रूट लेना पड़ेगा। अगर उनको लंबा रूट लेना पड़ेगा, तो जो लोग होंगे वो काठमांडू के ऊपर ऑपरेट करने वाली फ्लाइट की टिकट्स लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब उनके पास काठमांडू वाला ऑप्शन होगा, तो वो क्यों इन दोनों एयरपोर्ट्स वाली फ्लाइट्स लेंगे, क्योंकि इन दोनों एयरपोर्ट्स वाली फ्लाइट्स तो काफी महंगी होंगी। उनको जम्मू कश्मीर के ऊपर से होते हुए यूरोप या फिर दुनिया के बाकी हिस्से में जाना पड़ेगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से होते हुए साउथ एशिया की कंट्रीज में जाना पड़ेगा। ऐसे में जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, जो भी एयरलाइंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करती थी, वो इन दोनों एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रही थी। और जो नेपाल की सरकार का इन दोनों एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल बनाकर इनसे कमाई करने का पूरा प्लान था, वो पूरा फेल हो गया था। अब नेपाल की सरकार डिपेंडेंट होगी भारत के ऊपर। ऐसे में जो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दाहाल थे, रिसेंटली उन्होंने भारत की यात्रा की थी, अभी पिछले हफ्ते वो भारत आए थे, और जिस दौरान उन्होंने भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि भारत की सरकार इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जिनको चाइना की कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया है, इनके लिए एयर रूट अलाउ करे, यानी यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परमिशन दे दे, ताकि इन दोनों एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट हों और भारत की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए काठमांडू के एयरपोर्ट की तरह दुनिया के बाकी हिस्सों में जाएं। अब खबर निकल कर आ रही है कि ये जो एयरपोर्ट चाइना की कंपनीज ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक मेजर कंसर्न है। इसलिए भारत की सरकार यानी नेपाल की इस मांग को लेकर बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, और न ही मोदी सरकार इस चीज को लेकर फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन ये भारत के लिए भी एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर नेपाल का ये प्रोजेक्ट फेल होता है, और अगर नेपाल के दोनों एयरपोर्ट फेल होते हैं, तो फिर जो नेपाल ने इनके लिए चाइना से लोन लिए हैं, नेपाल उनको पे बैक नहीं कर पाएगा। इसके कारण नेपाल के ऊपर बर्डन पड़ेगा, नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ेगा, और नेपाल की इकोनॉमी के ऊपर कोलैप्स होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर नेपाल की इकोनॉमी श्रीलंका या फिर पाकिस्तान की तरह कोलैप्स होती है, तो नेपाल को भी जिस तरह से श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को लीज के ऊपर दे दिया था, तो फिर नेपाल भारत के बॉर्डर के पास वाला कोई एसेट चाइना को लीज के ऊपर दे देगा। ऐसे में ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी टेंशन बन गए हैं। और ये चीज ना सिर्फ नेपाल कर रहा है, बल्कि आज की डेट में जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, फिर चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान, म्यांमार हो, या फिर श्रीलंका, सारे के सारे देश आज की डेट में भारत और चाइना की राइवलरी को कैश करने के चक्कर में चाइना से लोन लेते जा रहे हैं और चाइना के डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वैसे खैर, अब नेपाल के इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को एयर रूट देना है या फिर नहीं, ये तो खैर मोदी सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस चीज के ऊपर एक कमेंट भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की सरकार को ये जो नेपाल में चाइना की कंपनी ने दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए हैं, इनके लिए एयर रूट्स अलाउ करने चाहिए? क्या इनके एयर रूट्स के लिए परमिशन देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।